बड़े प्यार से रह रहे हैं और अमन से रह रहे हैं, ये एक पैगाम है कि ये मुल्क भी एक छत है, इस छत के नीचे हम सब इसी तरह ही एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। तो अगर कोई अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि एक दलित ने सबसे एक और अहम बात भी की कि वोटर्स ने आज अपना हक अदा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो अब नतीजे कब तक देती है। कौम बड़ी कॉन्शियस है और कौम जाग रही है, ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं ऑन एयर कि इस वक्त तक कौम का कोई बंदा सोया नहीं है, वो टीवी स्क्रीन पर बैठा हुआ है, वो छोड़ेगा नहीं जब तक रिजल्ट नहीं आता, वो सोएगा नहीं। अरे इसमें एक मजेदार बात ये भी है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम की नजरें जो है वो इस पर जमी हुई है बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है वो काफी कंसर्न है इस हवाले से कि, और बैन अलावामी मीडिया खासतौर पर जो है वो लम्हा ब लम्हा आगाह भी कर रहा है और ओवरसीज पाकिस्तानी खासतौर पर जो है वो इस पर नजर रखे हुए हैं। हम सब जल्द जो है वो नतीजा है, यही ख्वाहिश है पूरे मुल्क की, यही ख्वाहिश है कि जमहूरी अमल है जिस खुश असलूबी से अभी तक मुकम्मल हुआ है इसको मजीद आगे भी खुश असलूबी के साथ मुकम्मल किया जाए, क्योंकि जमहूरियत में हक रह दही दिया गया है जब आइन के मुताबिक, तो उसका इजहार आज वोटर्स ने कर दिया है। और यकीन अब नतीजे आने का सिलसिला भी जारी है और अब ये सिलसिला लग ऐसा रहा है कि सुबह तक रहेगा जी, ये सुबह तक रहेगा जी, ये जो है नतीज का सिलसिला जो है वो आ रहा है, जिस तरह फॉर्म 45 जो है वो हमारे पास अभी कुछ मौसूल हुए हैं तो आप बता सकें जी, कुछ जो हमारे पास मौसूल हुए वो हम अपने नाजरीन से जो है वो शेयर कर सकते हैं। जिस हल्के की हम बात भी कर रहे थे NA-148 के हवाले से, तो NA-148 का जो पोलिंग स्टेशन नंबर 19 है वहां का नतीजा जो है वो सामने आया, जहां पे साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने जो है वो 516 वोट जो है वो हासिल किए, उनके मद्दे मुकाबिल जो अहमद हुसैन डेहेड थे नून लीग के, उन्होंने 158 वोट देखे, इसमें बड़ा मार्जिन है। और उसके साथ जो दूसरे अगर हम बात करें TLP के अजहर संदेला, उन्होंने सिर्फ 52 वोट जो है वो हासिल किए हैं। तो इसी तरह दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे जो है वो तैमूर अल्ताफ मलिक हैं जिन्होंने 151 वोट हासिल जो है वो किए। ये सलीके से यूसुफ रजा गिलानी की काफी अच्छी पोजीशन थी। इसी तरह हम इनके जो नीचे 213 की बात कर लेते हैं, जहां पर साबिक सूबाई वजीर अली हैदर गिलानी जो कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं, तो अली हैदर गिलानी ने जो है वो PP 213 के पोलिंग स्टेशन नंबर 19 से ही जो है वो 399 वोट जो है वो हासिल किए हैं। और उनके जो मद्दे मुकाबिल थे आजाद उम्मीदवार हारिस जावेद 116 वोट जो है उन्होंने, अली हैदर गिलानी में लास्ट टाइम भी काफी अच्छे वोट लेते हुए दिखाई दिए, कमजाब हुए थे।